हेलो एवरीवन, मेरा नाम सा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सा। आप सबको बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। यार इतनी को गर्मी इंतहा की गर्मी सुमार चिप चिप वाली बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फिर बैठे यार आपके यहाँ भी क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मतलब इनका जो इलाका है ना, मुंबई गुजरात, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे भी यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है सच में, इतनी बुरी हालत हो रही है ना कि क्या आपको बताए। लेकिन आज हम वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान का जो सबसे क्लीन विलेज है ना वो देखेंगे, दूसरी तरफ पे हम देखेंगे इंडिया का सबसे क्लीन विलेज जो है ना, दोनों का कंपैरिजन होने वाले। देखते हैं भाई दोनों में से सबसे ज्यादा क्लीन कौन सा है। वीडियो के अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हमने मूवीज पर रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है, शहर रिएक्शन पे वो भी जाके जरूर देखना। देखते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान की भाई वीडियो है पहले। सियालकोट है ना? सियालकोट का सियालकोट हरा भरा तो काफी है वैसे, हरियाणा गाँव की यही तो बात होती है भाई, वहां पे बहुत ज्यादा हरा भरा खेत ये वो देखने में मिलता है आपको। नहीं पता नहीं कौन सा, गुजरात गुजरात पाकिस्तान ऐसा लगता है। लाहौर में विलेज, लाहौर में विलेज, ये कौन सा विलेज है? फजाएं अलग है यार, मजा आता है इन विलेजेस को देखने। ताजा ताजा हवा सुबह जब निकलो ना तो फिर सही इनका मजा आता है, या शाम को ताजा हवा लेने में सही मजा आता है। आजकल तो वैसे ही बड़ा ना गर्मी है। कितना हरा भरा है तो सारा पिंड ही हरा भरा है। क्या नाम है लाहौरिया में? लाहौरिया क्या यार नजारा, दिल को सुकून वैसे मिल रहा है मेरा देख के ना। वैसे अगर किसी भी विलेज में जाओ ना तो हरा भरा जरूर आता है हर गांव में, क्योंकि खेत बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ शाम भी उन्होंने वेलकम किया जो भी हमारे शाम भी लोरिया बढ़ गया हूँ, पहले रहा सी अब ये आ गया गांव गांव के अंदर। और
ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਾਫ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਾਉਂ ਹੈ ਨਾ ਜੰਜ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਯੇ ਵੋ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿੰਦਾ अच्छा लगा मुझे सच में अच्छा लगा बहुत अच्छा ट्रोल तो ये रही मौसमाई केव, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल केव। मेघालय का जो खासी हिल्स एरिया है वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यही रीजन है कि यहाँ ढेर सारे केव्स देखने को मिलते हैं। मौसमाई केव मेघालय में उन 200 से ज्यादा गुफाओं में से एक है। इस केव की लंबाई लगभग 250 मीटर है और कहीं कहीं ये केव काफी नैरो भी हो जाती है, थोड़ा आपको झुक के बैठ के भी जाना पड़ सकता मुश्किल है। नेचर ने बड़ी ही खूबसूरती से इस केव को बनाया है। कैसा यहाँ मुझे दिख रहा है, एक ये बड़ा पत्थर है, फिर एक ये थोड़ा पतला हो गया और यहाँ फिर इतना बड़ा, कहीं कहीं तो इतनी छोटी छोटी ये बनी है, नैरो स्पेस है, पूरा आपको कमर सीजन है। अभी वैसे हम ना इस केव के काफी अंदर आ गए हैं, थोड़ा सा देखो ह्यूमन सा तो लग रहा है बट ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी लग रही है या सांस चल रही है। मौसमाई केव हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जो हम सोच नहीं सकते। ये केव बनने का प्रोसेस ना जाने कितने हजारों सालों से चला आ रहा है। इस केव से गुजरना अपने आप में एक रियल एडवेंचर है जो आप सिर्फ और सिर्फ मेघालय आकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अभी यहाँ एक पॉइंट पे मैं ऐसे आई हूँ, ये पूरा ना ऐसे घिरा हुआ है केव से। Thank you.
व्यू आता है यहाँ से एक पहाड़ी का, और वहाँ से सात तो नहीं शायद उससे भी ज्यादा ऐसे छोटे 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 ना वाटरफॉल्स हैं। और ये जगह ना एकदम रोड साइड पे, यहाँ हमने अपनी कार पार्क की है और यहाँ से दिखता है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। मेघालय में मेघों के साथ लुका छुपी तो चलती रहती है, उम्मीद तो यही लगाकर बैठे हैं कि काश जल्दी से ये बादल यहाँ से हट जाएं और हम यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा देख पाएं। अभी अगर आप गौर से देखें तो मुझे दो तीन दिख रहे हैं वाटरफॉल्स, एक ये सामने पीछे वाटर, इसी के पीछे एक छोटा और दिख रहा है। चलो कुछ तो नजर आया। और देखो अब एकदम फिर इसमें दोबारा फॉगी हो गया। इस जगह से कुछ ऐसा नजारा दिखता है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ और देर इंतजार किया जाए, लेकिन मेघालय के मेघ हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो बस फिर क्या हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी हम मोलिंग नोंग की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में हमें एक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भीड़ सी दिखी, तो हम रुके हैं देखने के लिए कि अभी क्या हो रहा है। लॉटरी होता है, 10 रुपए का टिकट हो जाता है, 10 का 20 मिलेगा, लास्ट का 3 2 नंबर मिला तो 10 का 15 मिलेगा, मतलब पैसा डबल। तो हम चल पड़े हैं देखने एक बहुत ही अलग लॉटरी गेम जिसका नाम है शिलोंग तीर। ये जो लॉटरी गेम है ये आर्चरी यानी तीर अंदाजी पर बेस्ड है। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। शिलोंग तीर मंडे टू सैटरडे खेला जाता है मेघालय के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में। द गेम इज कम्प्लीटली लीगल, बस बेटिंग काउंटर से एक टिकट लेना होता है और लास्ट 2 डिजिट्स गेस करने होते हैं। एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रादर इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और देखने में तो ये विलेज काफी छोटा है, लेकिन यही गांव पूरे देश के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहा है। तो अभी हमने इस विलेज के अंदर एंट्री ले ली है और क्लीन हर कॉर्नर पे मुझे ना ये दिख रहा है, ये डस्टबिन है, इस तरह के स्टैंड पे लगाया गया है और ऑलमोस्ट 30 मीटर पे मुझे एक ये डस्टबिन दिख रहा है। इन डस्टबिन्स को यहाँ लोकल लैंग्वेज में कोह कहते हैं और यही कोह मोलिंग नोंग विलेज।
दिखेगा भी कैसे। इस गांव में सभी, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सभी अपने इस गांव को साफ रखने में कंट्रीब्यूट कर। ये थी आज की वीडियो, तो यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, ये जो इन्होंने विलेज दिखाया ना, सच में मेरा दिल खुश हो गया। अम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा, प्यारा तो इधर है नहीं। सच में यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा, हम पहाड़ी इलाकों में भी गए हैं तो वहाँ पे ना कोई आपको नहीं दिखेगा इतना खूबसूरत विलेज, कभी नहीं कहीं पे भी नहीं मैंने देखा, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये इधर लोग डालते हैं, इधर गंद डालते हैं, तो मतलब लोग जो है ना वही ना सफाई रखनी चाहिए। हमारा खुद ही काम है सफाई रखें, गवर्नमेंट 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 कितने रखे। हाँ वही ना, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ वो देखे, अब लोगों ने एक मोटिव बनाया, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं हमें कि आपने अपने गांव को साफ सुथरा रखना है। पाकिस्तान का भी विलेज बहुत मतलब साफ, वैसे मुझे लगा थोड़ा थोड़ा गंद वहां पर नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मतलब लिहाज से ना, इस लिहाज से इतना ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन इंडिया का जो ये विलेज है ना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में था तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और इधर समझदार और अपना जिम्मेदारी हमें समझते हैं। हाँ। सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना ये हर बंदे का काम है। हम अब अपने शहर में देखते हैं, हमने इतना गंद डाला, जहाँ पे खाया वहीं पे फेंक दिया, जहाँ पे खाया वहीं पे फेंक दिया, ये चीज अच्छी नहीं है ना, अपने आप को साफ रखना चाहिए। अब उन्होंने हर जगह अपने वो हमें बना बना के टोकरियां लगाई हुई है, कितना दिमाग उन्होंने यूज किया, वो इतनी खूबसूरत टोकरियां और फिर इतना हरियाली, यार ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, दिल करे यहीं पे जाके बैठ जाऊं, इतना खूबसूरत विलेज मैंने कभी नहीं देखा। और रमीज यहाँ की आबोहवा कितनी सही है, बहुत अच्छी होगी, मजा आ जाता होगा बंदे को, सुबह का नजारा देख के ही बंदे की आंखें ठंडक मिल जाती है, दिल खुश हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा ये जबरदस्त, बड़ा दिल कर रहा है यहाँ पे जाने को। क्या आप भाई इंडिया में रहते हो, आप तो जा सकते हो, प्लीज जाइए यहाँ पे, आपका इतना मतलब खूबसूरत विलेज है यहाँ पे, ऊपर से वो केव इतनी जबरदस्त किस्म की थी, जरूर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।